तो अगला मात्रिक छंद हमारे पास है दोहा छंद। तो दोहा छंद की क्या पहचान है? एक तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सम यानी कि आधा सम है और आधा विषम है, और सम में अलग मात्राएं हैं और विषम में अलग मात्राएं हैं। तो क्या है इसके विषम चरणों में, विषम चरणों में मतलब इसके पहले चरण में और इसके तीसरे चरण में, तो 13-13 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, और अंत में एक गुरु और एक लघु भी रहता है। तो इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जानते हैं क्या यह है दोहा है, क्या इस दोहे में ये छंद है। तो देखिए, सुनि दस कंधर बचन, तब ये है पहला चरण, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, ये दूसरा चरण है, जगदम्बा हरि आनी अब, ये तीसरा चरण है, और सठ चाहत कल्याण, ये तीसरा चरण है। मैंने कक्षा 10-2 के हिंदी की जो किताब है आरोह भाग 2, उसी में ये एक कविता है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसी में से मैंने ये उदाहरण, दोहे का एक उदाहरण यहाँ पर लिया है कि जब रावण के सारे योद्धा मारे जाते हैं तो वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और उसे जब सारी कहानी बताता है कि किस प्रकार से वह सीता का हरण करके ले आया था, तो उसके बाद उसकी सारी कहानी सुनने के बाद कुंभकर्ण क्या कहता है, सुनी दस कंधर वचन यानी कि रावण के वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा, जगदम्बा हरि आनी अब, और उसने कहा कि तू तो साक्षात जगत जननी सीता को हर के ले आया है, सठ चाहत कल्याण, और मूर्ख अब अपना कल्याण चाहता है। देखिए हमें इसमें मात्राओं की गणना करनी है, प्रथम चरण में कितनी मात्राएं आती हैं, तो लीजिए लगाते हैं मात्राएं, छोटा उ है तो क्या रहेगा लघु, छोटी ई है लघु, ये लघु लघु, अनुस्वार है गुरु, ध औ की ध्वनि आ रही है लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, और ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी लघु। अब आप इनकी गिनती कीजिए एक बार, जो लघु है उसको एक गिनना है, जो गुरु है उसको दो गिनना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है, तो प्रथम चरण में पूरी 13 मात्राएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में हमारे पास जो है 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो ये देखिए बेशक यहां पर छोटा उ है लेकिन अनुस्वार है, अनुस्वार है तो ये गुरु माना जाएगा, गुरु लघु 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 लघु, और ये लघु, ये भी लघु, ये गुरु और ये लघु। कितनी मात्राएं होनी चाहिए हमारे पास, 11, गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, बिल्कुल ठीक है। इसके तीसरे चरण को और देखो, तीसरे चरण जो है आपके पास में, माफ कीजिए चौथा चरण है यहां पर, तो तीसरे चरण में आपके पास कितनी मात्राएं होनी चाहिए, विषम चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए ये लघु, ये भी लघु, अनुस्वार है गुरु, आ गुरु, ह लघु, छोटी ई है लघु, फिर आ गुरु, छोटी ई लघु, अ और ब। अब देखिए तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं, चलिए गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2, 10 और 11, 12 और 13। ठीक है, चौथे चरण में हमारे पास 11 मात्राएं होनी चाहिए, तो ध्यान से देखिए लघु लघु, ये गुरु है च, ह लघु, त लघु। अब एक नियम आपको मैंने बताया था, अगर आपने पिछला सारा का सारा पार्ट अगर आपने ध्यान से देखा है तो मैंने बताया था अगर कोई संयुक्त वर्ण आ जाए तो उससे पहले वाला जो वर्ण है वो लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा। तो यहां पर जो क है वैसे तो ये लघु है लेकिन इसे गुरु माना जाएगा, तो ये गुरु और ये गुरु और ये लघु। ठीक है, तो कितनी मात्राएं हुई देखिए एक बार, यहां से गिनना है हमें एक, क्योंकि यहां से लेकर और ए यहां तक चौथा चरण है हमारे पास, 1 2
तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ये ग्यारह हैं। तो आपने देखा कि बिल्कुल यहां पर विषम चरणों में तेरह तेरह मात्राएं हैं और सम चरणों में ग्यारह ग्यारह मात्राएं हैं, अतः यहां पर दोहा छंद है। और एक विशेष और बात यहां पर मैंने आपको बताई है कि अंत में एक गुरु और एक लघु रहता है, तो ये आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, एक गुरु है और एक लघु है। तो इस प्रकार आपने दोहा छंद की ये परिभाषा और ये इसका एक उदाहरण आपने याद करना।